यहाँ का बास्केट चाट आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत ज़्यादा बिकता है यहाँ पे। और इसी के अंदर आपको प्रिंस मार्केट मिल जाएगी, जहाँ पे मेंस के कलेक्शंस हैं बहुत सारे कपड़ों के। ये जो स्ट्रीट है पूरी की पूरी लव लेन नाम से जानी जाती थी। ये हज़रतगंज से टच लाल बाग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे शर्मा की चाय की दुकान, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है इधर। और आज कोइंसिडेंस कुछ ऐसा है कि पिछले 3-4 दिनों से गर्मी लखनऊ में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, मतलब हालत ख़राब होने वाली गर्मी हो रही है। एनीवे, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं आपका अपना सुशांत पांडे और आप देख रहे हो सुश ब्लॉग्स। इस वक्त मैं हूं लखनऊ के हज़रतगंज एरिया में। ये एरिया आप देख के समझ ही गए होंगे कौन सा है। और यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या खाने वाली चीज़ें हैं, घूमने के लिए क्या क्या है, और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा इसी ब्लॉग में हज़रतगंज से, जो कि जुड़ी हुई हैं कि आप हज़रतगंज आके क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ की ख़ास बात है कि यहाँ पे आपको हर दुकानें एक ही कलर की मिलेंगी और एक ही रंग का बोर्ड मिलेगा और एक ही तरह के लिखावट जो है वो सेम कलर में मिलेगी। तो आप देखते हैं कुछ येलोइश कलर करके है यहाँ पे बिल्डिंगें, साथ में ब्लैक कलर के बोर्ड लगे हुए हैं, वाइट कलर में सारा नाम लिखा हुआ है हर ब्रांड का, तो कुछ ऐसा है दिखने में। और लखनऊ के बीच में पड़ता है और लखनऊ का दिल कहा जाने वाला ये है हज़रतगंज। तो सबसे पहले अगर आप हज़रतगंज कार से आते हैं तो आपको पार्किंग के लिए जगह चाहिए होगी यहाँ पे, क्योंकि आप रोड साइड गाड़ियाँ खड़ी करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सो लेट्स बिगिन दिस व्लॉग। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है पीछे हज़रतगंज मेट्रो स्टेशन, और यहाँ पे जस्ट बगल में आपको मिल जाएगा, मेरे पीछे देख सकते हैं, रॉयल कैफ़े, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस शॉप है यहाँ पे। यहाँ का बास्केट चाट आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत ज़्यादा बिकता है यहाँ पे। अगर आप स्ट्रीट फूड के शौकीन हो तो यहाँ पे आपको मान्यवर शोरूम मिलेगा जस्ट मेट्रो स्टेशन के अपोजिट में। वहाँ से एक गली गई हुई है जहाँ पे आपको लाइन से खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ सामने ये एक पानी के बताशे लगाते हैं, क्योंकि शाम में लगता है लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये दुकान आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पानी के बताशे मिल जाएंगे शाम में। तो हम आ गए अभी इस गली के अंदर, और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं छोटी छोटी, कुछ तो बंद है अभी फ़िलहाल, ज़्यादा शाम हो जाती तब लगती हैं, कुछ अभी लग चुकी हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं हज़रतगंज के बैक साइड रोड पे, और यहाँ पे अपनी जो है सेकंड लोकेशन, यानी सेकंड जो फेमस फूड की दुकान है वहाँ पे चल रहे हैं हम, वो है इधर आप देख सकते हैं वाजपेयी की कचौड़ी। नाम तो सुना ही होगा बहुत सारे लोगों ने लखनऊ में। तो ये हज़रतगंज में यहाँ पे है बैक साइड रोड पे। टाइम तो खाली मिला भाई, बट मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पे लाइन लगती हैं कचौड़ियाँ खाने के लिए, तो कभी ट्राई करेंगे आके, देखते हैं वो भी सुबह का टाइम या तो होता होगा। तो वाजपेयी की कचौड़ी पहुँचने के लिए आपको लोकेशन यहाँ से हज़रतगंज, आप देख सकते हैं ये चौराहा है, हज़रतगंज से आपको सहारागंज मॉल के लिए निकलना पड़ेगा। और यहाँ से जैसे ही आप बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग के पास पहुँचेंगे, यहाँ से राइट हैंड साइड पे आपको वाजपेयी की कचौड़ी की दुकान मिल जाएगी। आगे चलते हैं, हज़रतगंज में आपको हर एक तरह का ब्रांड मिल जाएगा, फिर चाहे कोई भी ब्रांड हो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं सामान वगैरह जाके। तो दोस्तों ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये जो स्ट्रीट है पूरी की पूरी लव लेन नाम से जानी जाती थी, फिलहाल अभी थोड़े थोड़े यहाँ पे शॉप्स जो हैं वो कम हो गए हैं, स्ट्रीट जो शॉप लगती थी वो कम हो चुकी हैं, बाकी अंदर शॉप हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं। और ये जस्ट इस बिल्डिंग के सामने आप देख सकते हैं, यहाँ के जस्ट सामने अंदर भी कई सारी दुकानें हैं, आप यहाँ से जाके शॉपिंग कर सकते हैं। बेसिकली ये लड़कियों की काफ़ी चहेती मार्केट थी खास, और ये जस्ट हेज़लनट फैक्ट्री के जस्ट बगल में है, और थोड़ी दूर अंदर जाके सहारागंज मॉल भी है यहाँ पे। अगर मॉल में अगर घूमना चाहते हैं आप तो वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मल्टी लेवल पार्किंग मिलेगा, पार्किंग में अपनी कार डालने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ये बड़ी सी बिल्डिंग, जो कि साहू बिल्डिंग नाम से फेमस है, और काफ़ी पुराना सिनेमा है यहाँ पे साहू नाम से। तो सिनेमा के शौकीन हैं, मूवीज़ वगैरह देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे PVR है, साहू सिनेमा है, आप देख सकते हैं। और इसी के अंदर आपको प्रिंस मार्केट मिल जाएगी, जहाँ पे मेंस के कलेक्शंस हैं बहुत सारे कपड़ों के, चीपेस्ट रेट में आपको अवेलेबल हैं, तो वो सारी चीज़ें आप इस बिल्डिंग के अंदर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जस्ट सामने है आपका जनपद मार्केट, चलते हैं अभी जनपद मार्केट के अंदर। हम आ गए हैं अभी जनपद मार्केट के अंदर, यहाँ पे बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉनिक कपड़े और भी बहुत सारी चीज़ों की शॉप्स मिल जाएंगे इस मार्केट के अंदर। आज कुछ भंडारा वगैरह चल रहा है इधर, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है फिलहाल, अभी आपको दिखाते हैं आगे। और काफ़ी ज़्यादा रश होता है इस मार्केट के अंदर, यहाँ पे आप अपनी बाइक को पार्क वगैरह में लगा सकते हैं नॉर्मली शॉप के आगे। चिकन के कुर्ते वगैरह लेना चाहते हैं, लेडीज़ का भी कलेक्शन है यहाँ पे, सारी कुछ यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और इस बिल्डिंग के बेसमेंट में भी
बहुत सारी दुकानें हैं जो कि फैशन से रिलेटेड हैं, तो वो देख सकते हैं आप यहाँ पे। खाने पीने के शौकीन हैं आप, जनपद मार्केट में भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ पे ओपन एरिया पे आप बैठ के आराम से फूड इंजॉय कर सकते हैं शाम के टाइम, दिन में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। वैसे दोस्तों मैं आ गया हूँ तीसरी लोकेशन पे जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप पीछे देख सकते हैं नॉवेल्टी सिनेमा है और ये हज़रतगंज से टच लाल बाग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे शर्मा की चाय की दुकान जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है इधर, और आज कोइंसिडेंस कुछ ऐसा है कि बंद है। और साथ में प्रॉब्लम ये भी थी कि आज मैं निकला तो घर से लंच करके निकला था, सो जितने भी फेमस जायके थे यहाँ के वो मैं टेस्ट नहीं कर पाया। आज फ़िलहाल मैं ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका हूँ, कई बारी खा पी चुका हूँ, तो इस वजह से मेरे को आइडिया है यहाँ पे कि कैसा है स्वाद, लेकिन आज आपको मतलब ऐसा ट्राई करके नहीं दिखा सका लाइव इस ब्लॉग में। ऑलराइट दोस्तों, तो ये था हज़रतगंज और हज़रतगंज के आसपास का एरिया जहाँ पे आप खाने पीने की चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं, घूमने टहलने की जगह देख सकते हैं और साथ में आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने बहुत ज़्यादा डीप ब्लॉग नहीं बनाया। फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि एक एक सब्जेक्ट यानी कि खाने पीने की चीज़ें या फिर शॉपिंग हो गया या फिर घूमने टहलने की जगह हज़रतगंज में के ऊपर मैं पर्टिकुलर ब्लॉग बनाऊं, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं किस चीज़ पे चाहिए, मैं नेक्स्ट ब्लॉग वो लेके आऊँगा। और आज के इस वीडियो को बस यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कुछ भी चलाते हैं तो यहाँ पर ज़रूर फॉलो करिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, लव यू इंडिया।